ये जूनागांव तो बहुत सुंदर सिटी है। हाँ, मैं भी यही सोच रही हूँ कि जूनागांव आने का फैसला बहुत सही रहा। मेरे बच्चों को घूमने का मौका मिल जाएगा और मुझे भी चेंज मिल जाएगा। दोस्तों देखो, बैल खुले हैं और किसान हल चला रहा है। अरे किसान का खेत है तो किसान ही हल चलाएगा ना, बैल काय को चलाएंगे। तो बैल क्या खेत की निगरानी के लिए रखे हैं? ओ, बैल ताकतवर होते हैं, हमारे शहर में सब ऐसे ही करते हैं। छोटे भाई देख, वो आदमी मुझसे और अपने गधे से भी बड़ा गधा है। गधे पर बैठा है और गठरी सर पर रखी है, गधे पर भी रख सकते हैं ना। आप 100% गधे हो। अरे वैसे ही उसका वजन गधा उठा रहा है, गठरी का वजन भी गधे पर डालेंगे तो गधा चलेगा कैसे? हमारे शहर में ऐसे ही छोटा है। ये कैसा शहर है? यहाँ सब कुछ थोड़ा अजीब नहीं लग रहा? हाँ मैडम, कुछ अजीब तो जरूर है। मैडम देखिए कितना सुंदर किला है। हम ये किला देखेंगे मैडम। हाँ, लेकिन पहले अपने ठहरने की जगह पहुंचकर सामान तो रख दें, उसके बाद घूमने चलेंगे। तुम मेरे को साथ ले चलो, मैं काय को हूँ। आप हमको पूरा जूनागांव घुमाओगे? आओ, मैं इधर के चप्पे चप्पे जानता, आसपास की अच्छी अच्छी जगह भी दिखाऊंगा। ये रखो मेरा कार्ड, इसमें नंबर भी है मेरा। देखिए, सबसे पहले हमें मूनलाइट विला जाना है, क्या आपको पता है? आओ, वो नया जूनागांव में है। लो जी, आ गया मूनलाइट विला। ये तो बहुत अच्छी जगह है। बिना बारिश के ओले पड़ रहे हैं। ओए, इतनी जोर से गिरते हैं क्या? ये ओले नहीं, गोले हैं। वॉर शुरू हो गई है। कोई शक? ओले होते तो फट गए होते। कुछ और है, बाहर उतर कर देखो। ये हो क्या रहा है? यहाँ नए आए हो? छुट्टी मनाने आए हैं। सुबह 7 से 9 बाहर नहीं निकलना, मेरे बच्चों का फुटबॉल प्रैक्टिस का टाइम होता है। इतनी फुटबॉल से प्रैक्टिस करते हैं क्या? हाँ, एक बॉल थी तो सब आपस में लड़ते थे, मैंने सबको एक एक बॉल दिला दी। अब लड़ाई नहीं करते, अपने अपनी बॉल से खेलते रहते हैं। हमारे शहर में ऐसा ही होता है। चलो कोच साहब, 9 बज गए, खेलने का टाइम खत्म। अब मैं बड़ी पापड़ सुखाऊंगी। यहाँ बड़ी पापड़ सुखाते हैं? और क्या, छत पर? अरे लेकिन लोग आएंगे जाएंगे कैसे? 9 से 11 बड़ी पापड़ सूखते हैं। या तो 9 से पहले निकल जाओ या 11 के बाद निकलो। हर अपार्टमेंट का यही रूल है, सब 9 से 11 बड़ी पापड़ सुखाते हैं। हमारे शहर के बड़ी पापड़ एक्सपोर्ट होते हैं, इसलिए ऑफिस टाइम 12 बजे। हमारे शहर में ऐसा ही होता है। वाकई अजीब शहर है, कोई शक? Excuse me, ये 202 कहाँ आएगा? 201 के बाद और 203 के पहले आएगा, दोनों के बीच में आएगा। मैं चलता हूँ मैडम, कॉल करो तो घुमाने आता हूँ। अरे ये तो एकदम घर जैसा है। सही कह रहे हो। अच्छा बच्चों, मैं फ्रेश हो जाती हूँ, तब तक हम नीचे होकर आते हैं। ओके ओके, पर कंपाउंड के बाहर मत जाना। देखो, हम सब साथ में किला देखने चलेंगे। ओके ओके मैडम। अरे ये शुतुरमुर्ग कहाँ से आ गया? छोटे भाई, पंख वाली गिलहरी। अरे मुझे शुतुरमुर्ग से बचाओ। ये शुतुरमुर्ग नहीं है, ये मुर्गी है।
मुर्गी। मुर्गी के इतने बड़े बड़े पंख, मेरी दवा का असर है, मेरी दवा का। इस मुर्गी को दवा की नहीं दुआ की जरूरत है। अरे इतने बड़े पंख के साथ ये चलेगी कैसे? आपने ऐसा क्यों किया? कौन है आप? आई एम डॉक्टर पंखिड़ा, पंख एक्सपर्ट। मैं पंख एक्सपर्ट हूँ। अब ये मुर्गी मेरे पंखों के साथ आसमान में उड़ेगी। अरे मैंने तो चूहे भी 6 फीट तक उड़ा दिए हैं। अरे वाह, तो फिर हमारे पोपट के पंख भी बड़े कर दीजिए। ट्राई करोगे? नो थैंक्स। मैं ट्राई करूंगा, मैं 606 में रहता हूँ, अब तुम पर मैं ट्राई करूंगा। हमारे शहर में ऐसा ही होता है, हैं? चलो बच्चों किला देख कर आते हैं। ये क्या, सूरज निकला हुआ है, इतनी गर्मी हो रही है, तो ये बारिश कैसे हो गई? मैंने करवाई ये बारिश, फसल को पानी जो देना था। फसल? फसल? हाँ, अपार्टमेंट के पीछे मेरा छोटा सा खेत है। हमारे शहर में बारिश कम होती है तो मैंने छत पर फव्वारे लगवा दिए हैं। खेत को पानी मिल जाता है और अपार्टमेंट में ठंडक सी हो जाती है। हर जगह 4 से 5 बारिश का टाइम होता है। बारिश रुक गई है तो अब क्यों छाता खोल रहे हैं? अरे वो तो अलार्म था, बारिश अब होगी। अंदर चलो बच्चों। हनी बनी कर रहे हैं बैड मंकी को चेस। सुल्तान का बेटा बैड मंकी। पावरफुल पावर अप्स एंड यूज बूस्टर्स टू बीट बॉस इन दिस फाइट। एन ऑल न्यू एडवेंचर अवेट्स यू इन हनी बनी का झोमा द क्रेजी चेस। ब्रांड न्यू गेम, डाउनलोड नाउ ओनली ऑन गूगल प्ले स्टोर। बस इसी की कमी रह गई थी, यहाँ भूत भी है। कोई शक? तू भी ना पोपट, कोई डांस प्रैक्टिस कर रहा है। ओह, रात के 2:30 बज रहे हैं, ये क्या कोई प्रैक्टिस का टाइम है? Excuse me, ये क्या पागलपन है? कह रहे हैं नतैया था। गुरु जी कह रहे हैं उनके प्रैक्टिस करने का टाइम है। अरे रात को 2:30 बजे कोई प्रैक्टिस करता है? गुरु जी कह रहे गुस्सा मत दिलवाओ वरना कुंगरू फेंक के मारेंगे। ओहो, ये सब तो इनका रोज का नाटक है। आप ये सब छोड़ो और सो जाओ आंटी। आंटी आप 6th फ्लोर पर क्यों नहीं शिफ्ट हो जाते? नहीं आप वहाँ मुझे भी पंख उगा दोगे, अब हम यही रहेंगे। इधर रहना है तो कान में रूई डाल के सोना पड़ेगा, पता भी नहीं चलता है। नहीं, मैं शहर में 1 मिनट भी नहीं रुकने वाली हूँ। वाकई अजीब शहर है। कोई शक? मैं वी पांडा हूँ, विचित्र पांडा। मुझे खबर मिली है कि नए लोग आए हैं, तो मैं खबर लेने आ गया। अच्छा हुआ आप आ गए, प्लीज हमें यहाँ से लेकर चलिए। देखिए ना, ये लोग हमें जाने ही नहीं दे रहे हैं। विचित्र पांडा के होते हुए किसकी हिम्मत है जो कानून को अपने हाथ में ले ले। आप सामान लाइए, मैं देखता हूँ कौन रोकता है। ये तो बोले थे 15 दिन रहेंगे, अगर जल्दी चले गए तो शहर का नाम खराब हो जाएगा। पांडा ने आज तक घर का नाम खराब नहीं होने दिया, तो शहर का नाम कैसे खराब होने देगा? चलिए। लीजिए, पहुंच गए। ये कहाँ पहुंच गए इंस्पेक्टर पा? अब मेरा मतलब विचित्र पांडा हवेली है, यहाँ 15 दिन तक रह सकते हैं। अरे लेकिन हमें 15 दिन नहीं रहना। ये हमारे शहर का नियम है, आप 15 दिन के लिए आए हैं तो 15 दिन रहना पड़ेगा। 16वें दिन मैं खुद आपको रेलवे स्टेशन छोड़ कर आऊँगा। शुभ रात्रि। 15 दिन यहाँ कैसे रहेंगे? किस्मत वाले हो, आपको 15 दिन का कहा, मैं 5 साल के एग्रीमेंट पर जॉब करने आया था, 4.5 साल से यहाँ हूँ, जाने नहीं देते। हम ऐसा नहीं होने देंगे। मैडम आप टैक्सी वाले को कॉल कीजिए, कहिए घूमने जाना है। टैक्सी वाला भी लेकर नहीं जाएगा। हाँ भैया कहाँ है, आ जाइए, हमको घूमने जाना है, हम पुरानी हवेली में है। हाँ ओके। वो क्या बोला मैडम? उन्होंने कहा कि वो पास में ही है, बस 2 मिनट में आ रहे हैं। बड़ी सुबह सुबह घूमने का प्लान बना लिया आप लोगन, चलिए किले से शुरू करते हैं। नहीं तो आप ही बताओ मियां, आपको पहले क्या देखना है? सोचने दो। हाँ
पहले हमें लालनपुर का रेलवे स्टेशन देखना है। उसमें देखने को क्या है? अरे आपके एरिया का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन है। ये तो है मियाँ, ठीक है वहीं से शुरू करते हैं। बैठो टैक्सी में। मैं भी चलूंगा वरना सारी पोल खोल दूंगा। कैसी पोल मियाँ? अरे बिजली वाले हैं, इनको घुमाने नहीं ले गए तो सारे इलेक्ट्रिक पोल खोल देंगे। हम बिना बिजली के कैसे रहेंगे रात में वापस आकर? हम रात को वापस आने वाले हैं। अरे 24 घंटे घूमते थोड़े ही रहेंगे, रात को सोने तो यहाँ आएंगे ना, कोई शक? चलो भैया जल्दी चलो, हमें सुबह 6 बजे की ट्रेन भी देखनी है। आपको टाइम लगेगा तो मैं चाय नाश्ता कर लेता हूँ। आप चाय नाश्ता लंच डिनर सब कुछ कर लो, हम वापस नहीं आने वाले। काइकू, क्योंकि हम तुम्हारे शहर से भाग रहे हैं। मैं भागने च नहीं दूंगा, शहर का नाम खराब इच नहीं होने दूंगा। तुम जाकर विचित्र पांडा को बताओ, वो हमको पकड़ लेंगे। अरे तुम्हें इनाम मिलेगा, तुम्हारे शहर में ऐसा ही होता है, कोई शक? ये क्या किया तुम लोगों ने? अब पांडा हमको पकड़ लेगा। हाँ नहीं, यहाँ से शहर का 1 घंटे का रास्ता है, तब तक हम ट्रेन पकड़ कर निकल जाएंगे। एकदम सही बोली मैडम आप। चलो चलो भागो, चलिए मैडम। जान बजी तो लागो पाए, घर के बुद्धू घर को लौट आए।